PK, मेरा नाम तैयब है और ये है Infinix Hot 10 की अनबॉक्सिंग और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस। दोस्तों काफी हाइप क्रिएट की हुई है इस डिवाइस ने मार्केट में, और अगर आप भी ये डिवाइस लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको आपका डिसीजन लेने में आसानी हो सके। अब यहाँ पे वेरियंट्स की बात की जाए तो इस डिवाइस में 2 से 3 वेरियंट्स आए हैं, 4 GB के साथ 64 GB, 6 GB के साथ 128 GB, और इस बीच में भी एक है, मुझे उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो जिस वेरिएंट को आज हम डिस्कस करेंगे वो 4 GB रैम के साथ 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज में है। दोस्तों इसकी प्राइस की बात की जाए तो कंपनी ने इसकी रिटेल प्राइस 20,000 रुपया फिक्स की है, जबकि लोकल मार्केट में आपको इससे कुछ नीचे मिल जाएगा। कलर्स की बात की जाए तो 4 कलर्स में ये फोन आता है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, व्हाइट कलर है, और हमारी आज की डिवाइस ब्लैक कलर है। दोस्तों यहाँ पे हाईलाइटिंग फीचर्स की बात की जाए तो MediaTek का Helio G70 चिपसेट लगाया गया है, साथ ही साथ आपको एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ मैं आपको दूंगा इसका क्विक रिव्यू और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस को लेना चाहिए या नहीं, क्या ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो इससे पहले कि हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इससे आपके भाई को बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं Infinix Hot 10 को अनबॉक्स करने। ओके जी, तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके बॉक्स की तरफ जहां पे आपको Infinix Hot लिखा मिलेगा। नीचे वाली साइड पे इसके वेरिएंट को मेंशन किया गया है, 4 GB रैम के साथ 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज है, साथ ही साथ चिपसेट को मेंशन किया गया है, MediaTek का G70 चिपसेट लगाया गया है। यहाँ पे बैक साइड पे जाएं तो यहाँ पे भी इसके कुछ हाईलाइटिंग की फीचर्स मेंशन है, जिसमें 6.78 इंचेस की LCD है, 5200mAh की बड़ी बैटरी है, और भी काफी सारे फीचर्स हैं। नीचे वाली साइड पे जाया जाए तो यहाँ पे इसका IMEI नंबर मेंशन किया गया है, साथ ही साथ कलर मेंशन किया गया है। तो जल्दी से कर लेते हैं हम इसको अनबॉक्स और देखते हैं Infinix Hot 10 देखने में कैसा है। तो सबसे पहले हम इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको देखने को चीज मिलेगी वो है आपका Infinix Hot 10। फिलहाल रख लेते हैं हम इसको साइड पे और एक नजर बॉक्स में देख लेते हैं कि इसमें और क्या है। सबसे पहले आपको ये फोल्डर देखने को मिलेगा जिसकी बैक साइड पे आपको एक सिम इजेक्शन टूल मिलेगा, अंदर वाली साइड पे कुछ यूजर मैनुअल्स मिलेंगे, आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ बॉक्स में से आपको एक सिलिकॉन पाउच देखने को मिलेगा जिसकी क्वालिटी मुझे काफी नॉर्मल लग रही है। आगे चल के बॉक्स में से आपको एक पावर ब्रेक देखने को मिलेगा जो कि आपके फोन को 10 वॉट पे चार्ज करेगा। एक आपको USB A टाइप टू माइक्रो USB चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसके बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने Infinix Hot 10 की तरफ, जहाँ पे वापस से कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स मेंशन किए गए हैं। 670 का चिपसेट है, 6.78 इंचेस का इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है, 5200mAh की बड़ी बैटरी है, और बैक साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो यहाँ से उतार लेते हैं हम इसके स्टिकर को। जी हाँ दोस्तों, ये है Infinix Hot 10। ब्लैक कलर में ये फोन है और काफी जबरदस्त लुक आ रही है इस फोन की। दोस्तों यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बैक साइड आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है, बैक साइड पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा और LED फ्लैश लाइट मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसके फ्रेम की बात कर लें तो फ्रेम भी इसका प्लास्टिक का बनाया गया है। राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं और पावर बटन मिलता है। टॉप साइड बिल्कुल प्लेन रखी गई है जबकि लेफ्ट साइड पे आपको इसका सिम ट्रे मिलता है। नीचे वाली साइड पे जाएं तो यहाँ पे ऑक्स जैक, माइक, माइक्रो USB कनेक्टर और स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलती हैं। तो हम खोल के देख लेते हैं इसके सिम ट्रे को और देखते हैं किस तरह के सिम्स को सपोर्ट करता है ये फोन। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त में 2 सिम्स के साथ आप मेमोरी कार्ड को भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम फोन के वेट की बात करें तो फोन का वेट 195 ग्राम्स है और हैंड फील काफी अच्छी आ रही है। तो कर लेते हैं यहाँ पे हम अपने फोन को स्टार्ट और इसको सेटअप करके मैं आप लोगों के साथ वापस से मिलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारा फोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। 6.78 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले लगाया गया है जहाँ पे आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन
720x1640 पिक्सल्स की मिलती है। दोस्तों यहाँ पे PPI डेंसिटी की बात की जाए तो 264 मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात कर ली जाए तो 82.2% मिलती है। दोस्तों यहाँ पे बेजल्स को काफ़ी थिन रखा गया है, लेकिन यहाँ पे चिन को थोड़ा सा मोटा रखा गया है। ओवरऑल डिस्प्ले की ब्राइटनेस मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। दोस्तों आगे चल के बात कर लें हम इसके प्लेटफॉर्म की, तो इन्फिनिक्स हॉट 10 में आउट ऑफ बॉक्स आपको एंड्रॉयड 10 की सपोर्ट मिलती है, जो कि इन्फिनिक्स के अपने XOS वर्जन 7.0 के साथ आता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंटरनल स्पेक्स की बात कर ली जाए तो 4GB रैम के साथ 64GB बिल्ट इन स्टोरेज है। फ्रंट साइड पे आपको एक पंच होल में कैमरा मिलता है जो कि 8 megapixels का है। बैक साइड पे आपको क्वाड कैमरा मिलता है जो कि 16 megapixels का है। MediaTek का हीलियो G70 चिपसेट देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर की बात की जाए तो 2.0 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम GPU की बात कर लें तो माली G52 का GPU लगाया गया है। तो ओवरऑल डिवाइस की स्पेक्स दोस्तों मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रही हैं। अब आगे चल के हम बात कर लेते हैं इसके कुछ सिक्योरिटी फीचर्स की। तो Infinix Hot 10 में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट मिलती है। चेक कर लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को। दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट निकल के सामने आ रही है फिंगरप्रिंट सेंसर की, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम इसके फेस अनलॉक की। तो दोस्तों मैं काफ़ी देर ट्राई करता रहा इसके फेस को एनरोल करने की, लेकिन मेरा फेस इसमें एनरोल नहीं हो पा रहा। आई डोंट नो ये किसी किस्म का बग है या क्या चक्कर है। ये मैं आपके सामने भी दोबारा इसको एनरोल करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि ये फेस हमारा एनरोल कर पाता है या नहीं। जी दोस्तों यहाँ पे फेस बिल्कुल सामने है और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे लाइट भी है, लेकिन यहाँ पे ये मेरे फेस को एनरोल नहीं कर पा रहा। बिल्कुल ये देखें आपके सामने है और यहाँ पे फेस एनरोल ही नहीं हो पा रहा। चल भाई कर ले भाई प्लीज़ यार। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे फेस एनरोल नहीं हो पा रहा मेरा, जैसा कि मैं आपको दिखा सक रहा हूँ। तो यहाँ पे आई थिंक इसके सॉफ्टवेयर में कोई बग होगा या किसी अपडेट में आके ये ठीक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमारा फेस एनरोल नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों आगे चल के बात कर लेते हैं हम इसके मेन फीचर इसके कैमरास की। तो Infinix Hot 10 में बैक साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। मेन सेंसर यहाँ पे 16 megapixels का लगाया गया है, जबकि मैक्रो शॉट्स के लिए लेंस 2 megapixels का लगाया गया। साथ ही साथ यहाँ पे डेप्थ शॉट्स के लिए लेंस भी आपको 2 megapixels का मिलता है, और QVGA कैमरा भी मिलता है जो कि लो लाइट में आपकी पिक्चर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से शूट करेगा। आगे चल के बात करें हम फ्रंट कैमरा की, जो कि इस पंच होल डिस्प्ले में है। तो ये एक 8 megapixels का सेल्फी शूटर है। खोल के देख लेते हैं इसके कैमरा को और देखते हैं कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं। दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट वीडियोज का मॉड अवेलेबल है, वीडियोज का मॉड अवेलेबल है, और वीडियोज में मैक्सिमम आप 2K तक वीडियोज को शूट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 3 किस्म के मॉड्स दिए गए हैं, 720p, 1080p और 2K मॉड। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है, 2K में शूट करके देखेंगे कि कैसी वीडियोस आती हैं। आगे चल के बात करें तो यहाँ पे आपको AI कैमरा का भी मॉड मिलता है, जहाँ पे आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं और वाइड एंगल में भी शॉट्स ले सकते हैं। ब्यूटी मॉड दिया गया है, बुक इफेक्ट दिया गया है, सुपर नाइट मॉड दिया गया है। ये वही मॉड होगा जिसको QVGA सपोर्ट करेगा। दोस्तों यहाँ पे AR स्टिकर्स का मॉड दिया गया है, और यहाँ पे आप काफ़ी ज़बरदस्त अपने ऊपर इमोजीज वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद आगे चल के बात की जाए तो यहाँ पे वाइड सेल्फी का मॉड दिया गया है, जहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड लेंस यूज़ कर सकते हैं और सेल्फी काफ़ी वाइड हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे लिए हमने इसके कैमरा से कुछ पिक्चर, ये इसके बैक कैमरा से पिक्चर ली गई है, और यहाँ पे बुके इफेक्ट में पिक्चर ली है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से बुके कर रहा है, और कैमरे का रिजल्ट मुझे बैक कैमरे का काफ़ी ज़बरदस्त लगा है। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट है और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। अब याद रहे कि ये 8 megapixels का कैमरा है, तो इतनी डिटेल्स काफ़ी हैं और इस प्राइस में जस्टिफाई करता है। दोस्तों अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें इस फोन की बैटरी की, तो 5200mAh की बड़ी बैटरी लगाई गई है। बॉक्स में से आपको 10 वाट का चार्जर मिलता है, जो कि आपके फोन को तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में फुल चार्ज कर देगा। लेकिन एक दफ़ा ये फोन फुल चार्ज हुआ तो नॉर्मल यूजेज में आपका तकरीबन 1.5 से 2 दिन निकालेगा, और अगर आप हैवी यूजेज में खेलते हैं लाइक गेम्स खेलते हैं या मीडिया बहुत ज़्यादा देखते हैं तो भी इजीली 1 से 1.5 दिन निकाल जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको Infinix Hot 10? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो डिज़ाइन पुराना ही रखा गया है, जैसे प्रीवियसली आपने Hot 9 Play में देखा या Infinix का और काफ़ी सारे मॉडल्स में देखा। लेकिन यहाँ पे अगर हम स्पेक्स की बात करें तो काफ़ी इंप्रूव की गई हैं। MediaTek का G70 चिपसेट 20,000 रुपये की प्राइस रेंज में, 4GB रैम के साथ 64GB बिल्ट इन स्टोरेज में, ये प्राइस जस्टिफाई करता है। यहाँ पे एक जो मुझे छोटा सा इशू देखने को लगा कि मेरे फेस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा और फेस अनलॉक कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन आई थिंक वो कोई सॉफ्टवेयर बग होगा और वो आगे जाके सॉफ्टवेयर अपडेट में क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। Infinix Hot 10 के बारे में मजीद कुछ जाना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज।